प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जिसके पीछे वजह थी उनका सपना भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने का, जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिले। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। ये बात हम नहीं बल्कि इस बात का खुलासा आरबीआई की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 की दूसरी तिमाही आते आते एक बार फिर करेंसी का इस्तेमाल बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद साल 2016-17 की तीसरी तिमाही में कैश में 21.7% के नेगेटिव रेट पर पहुंच गई थी, तो वहीं साल 2017-18 की दूसरी तिमाही में कैश रखने वालों में 11.1% का इजाफा हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के लिए निवेश रखने की पहली पसंद अब भी बैंक है। कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक की कुल हिस्सेदारी करीब 50% है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस फंड, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, करेंसी में भारतीय ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद हाउस होल्ड की नेट फाइनेंशियल स्टेट 7.3% के नेगेटिव लेवल पर पहुंच गई थी, जो कि साल 2016-17 के चौथे क्वार्टर से पॉजिटिव जोन में आनी शुरू हो गई। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह GDP के 8.3% के पॉजिटिव लेवल पर आ गई है। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने देश में 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए थे। सरकार का दावा है कि इसके जरिए सिस्टम में ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।